नमस्कार आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर और आज अपन बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में उन प्रश्नों के बारे में जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे सीधे सीधे पूछे जाते हैं और ऐसे वो सवाल है जिनके बारे में कई बार ये कहा जाता है कि भाई ये जो फैक्ट होते हैं ना ये फैक्ट होते हैं कई बार आपको क्या करने पड़ते हैं भाई याद भी रखने होते हैं क्योंकि अगर जिद है नौकरी पाने की अगर जिद है नौकरी पाने की तो हिम्मत रख मेहनत करने की पहला सवाल देखिएगा आपने स्क्रीन पर क्या है पहला सवाल ये है कि अकबर ने पंद्रह में जब चित्तौड़ किले पर आक्रमण किया था उस समय शासक थे तो अकबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे ये आपको बताना है चार ऑप्शन है आपके सामने बढ़िया तरीके से बताना है राणा प्रताप उदय सिंह अमर सिंह या फिर कर्ण सिंह तो इसका राइट और सटीक आंसर आपको बताना है कि जब आक्रमण किया था अकबर ने तो यहाँ पर मेवाड़ के राजा कौन थे मेवाड़ के शासक कौन थे प्रवीण राणा महेंद्र पारगी रामकरण तो देखिएगा भाई इसका राइट आंसर है महाराणा उदय सिंह अब याद रखना कि अकबर ने जब आक्रमण किया था तो आक्रमण कब किया था तो अकबर ने आक्रमण किया था फिफ्टीन सिक्सटी सेवन में यहाँ पर क्या होता है भाई यहाँ के शासक थे उदय सिंह और यहाँ पर होता है साका और यहाँ पर क्या होता है जौहर होता है क्या होता है भाई जौहर होता है और जौहर में आपको याद रखना है कि जौहर किसके द्वारा किया जाता है तो जौहर किया जाता है जयमल व फत्ता के द्वारा जयमल व फत्ता के द्वारा किया जाता है जौहर और केसरिया का जो नेतृत्व करती है जौहर का जो नेतृत्व करती है जो शाका होता है उस शाके में आपको याद रखना है ये जो शाका हुआ था उस शाका में जौहर का नेतृत्व किया था वो महिलाओं के द्वारा किया था जिसमें रानी फूल कंवर का नाम था आपको ये भी पता होगा अकबर ने यहां पर क्या करवाया था विजय के बाद कत्ल आम करवाया था कौन से आम करवाया था कत्ल ए आम करवाया था ये भी याद रखना है और लगभग तीस हजार लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया था ये बात आपको याद रखनी है कि उदय सिंह उस समय कहाँ चले गए थे गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे और इनके जो सेनापति होते हैं उनका नाम होता है फतेह सिसोदिया और फतेह सिसोदिया के नेतृत्व में कहते हैं कि अकबर की सेना के साथ लड़े थे राजपूत सैनिक और इनका सहयोग दिया था जयमल ने और इनके साथ एक कल्लाजी राठौड़ और इसी युद्ध में कहते हैं कि जयमल और कल्ला वीरगति को प्राप्त होते हैं कल्ला को अकबर ने कहा था चार आतों वाले देवता सवाल पूछा जाएगा चार आतों वाले देवता कौन है तो चार आते वाले देवता आपको याद रखना है कि कल्ला जी है ये तो आपको याद रखना ही रखना है किसने कहा था तो अकबर ने, तो ने कहा था इसी युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे आगे बात करते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने है और आपके सामने सवाल रहा है ये जनरल लेक ने किस किले को जीतने में कल जनरल लेक किस जिले किले को जीतने में असफल रहा तो एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है लॉर्ड लैक और लॉर्ड लेक इस निम्न में ऐसे कौन से किले को जीतने में असफल रहा यानी उस किले को जीत नहीं सका कौन सा किला था जिसको जीत नहीं सका था इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा है तो देखिएगा आपको बताना है बाला किला अचलगढ़ का किला लोहागढ़ का किला या जयगढ़ का किला तो बढ़िया और बढ़िया सवाल पूछा है आपसे इसके बारे में कई बार सवाल पूछा जाता है और इस किले को कहा जाता है अजय दुर्ग और वो किला कौन सा है भाई लोहागढ़ का किला है और लोहागढ़ किले को अजय दुर्ग कहा जाता है और याद रखना है ये जो किला है ये मिट्टी से बना है किससे बना है भाई Osionfish. मिट्टी से बना सबसे मजबूत किला है मिट्टी से बना मजबूत किला है ये आगे बात करूँ इस किले के बारे में तो लोहागढ़ का किला किस जिले में है तो लोहागढ़ का किला भरतपुर में स्थित है, है और लोहागढ़ पर अधिकार था या जो यहाँ पर के जो शासक थे वो यहाँ का जो शासन था वो जाट राजवंश का था किसका था जाट राजवंश का यहाँ पर शासन था भरतपुर के जाट यहाँ पर शासन करते थे ये भी आपको याद अ... रखना है अब आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या कह रहा है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये जो सवाल है कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है अठारह की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी अठारह की क्रांति होती है और अठारह की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी ये आपको बताना है कई बार ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं आपको बताना है बताइए अभी महेंद्र प्रागी अनिल शर्मा धनराज बोर्ड राणपुर महेंद्र प्रागी के बाद में कैलाश वीरट गोपासरिया तो देखिएगा सवाल क्या पूछा है कि राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी पहला ऑप्शन है दो दूसरा है तीन फिर है चार और है फिर छह तो इसका राइट और सटीक आंसर है ये राजस्थान में जो सैनिक छावनिया थी वो छह थी ये याद रखना है अब अठारह की बात हुई है क्रांति की तो आपको याद रखना है कि अठारह की क्रांति के समय राजस्थान के ए कौन थे तो उस समय राजस्थान के एजीजी याद रखना पैट्रिक लॉरेंस थे कौन थे थे भाई पैट्रिक लॉरेंस ये भी आपको याद रखना है फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत होती है वो अट्ठाईस मई को हुई थी अट्ठाईस मई अठारह को हुई थी और हुई कहां से थी तो आपको सीधा सा जवाब देना की सर नसीराबाद से हुई थी और नसीराबाद के अंदर कहते हैं कि पंद्रहवीं और तीसवीं कौन सी पंद्रहवीं और तीसवीं यहां पर कौन थी पंद्रह और तीसवीं बी एन बी एन का मतलब हुआ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी यहाँ पर यह भी याद रखना बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यहां पर तैनात थी आगे बात करूं आपके सामने तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि यहां पर यहां पर जब क्रांति हुई थी नसीराबाद में तो उस समय नसीराबाद की सुरक्षा का दायित्व किसके पास था तो मेजर प्रिचार्ड के पास अब छह छवनिया कौन कौन सी थी तो देखिए भाई एक तो थी देवली देवली कहाँ पर थी टोंक में एक थी खेरवाड़ा खेरवाड़ा कहाँ पर है अजमेर अपने खेरवाड़ा पाली के पास में एक थी नसीराबाद कौन सी थी नसीराबाद थी और उसके बाद एक थी नीमच कौन सी थी भाई नीमच थी ये याद रखना है देवली खेरवाड़ा नसीराबाद नीमच इसके अलावा दो क्या थी और थी ये भी आपको क्या रखना है ये याद रखना है आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और अगला सवाल आपके सामने है निमोचना कांड हुआ था अब ये जो निमोचना हत्याकांड है वो कहां पर हुआ था ये आपको याद रखना है इस प्रकार के जब भी आपसे सवाल पूछे तो आपको जवाब देना है कि निमोचना हत्याकांड किसान आंदोलन से संबंधित है और निमोचना हत्याकांड से रिलेटेड कई बार सीधे सीधे आपसे सवाल पूछे जाते हैं कई बार पूछे जाते हैं तो बताइएगा भाई ये कब हुआ था 1902 में, 1912 में या 1945 में या उन्नीस इस प्रकार के, जब भी सवाल पूछे तो के बारे में यह हुआ था 1925 में अब यह निमूचना हत्याकांड है वो कहां पर हुआ था तो अलवर में हुआ था ध्यान रखना कहां पर हुआ था अलवर अलवर में इसको क्या कहा जाता है दूसरा क्या कहा जाता है सेकेंड जलिया वाला बाग कहा जाता है कौन सा बाग? जलिया वाला बाग सेकंड कहा जाता है? ये भी आपको क्या रखना है ए याद रखना है किसानों के अब आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बार्ट की जन्मस्थली कहां पर थी तो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था प्रताप सिंह बार्ट और प्रताप सिंह बार्ट की जो जन्म स्थली थी वो कहां पर थी शाहपुरा भीलवाड़ा बीकानेर और जैसलमेर बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपसे और ये जो सवाल है इसके बारे में आपको याद भी रखना है केसरी परिवार से पूछा है जी हाँ केसरी सिंह भारत के परिवार से यह हाँ सवाल पूछा गया है आपको इसका जवाब देना है बताइएगा भाई कौन बताने वाला है अनिल चिड़ावा भरत ओशिया धनराज बोर्ड बारोड माधुरी भार्गव तो देखिएगा इनका जन्म हुआ था शाहपुरा लेकिन शाहपुरा कौन सा वाला शाहपुरा भी है शाहपुरा जयपुर के अंदर भी है तो शाहपुरा है और इनके पिता का नाम क्या था तो इनके पिता का नाम था प्रसिद्ध क्रांतिकारी और कवि लेखक और स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारट कौन से केसरी सिंह बारट ये भी आपको याद रखना है अब आपको यह भी पता है कि इनको इनको क्या किया जाता है जब अंग्रेजों ने पकड़ा था जब ये क्या कर रहे थे एक बड़ी योजना के साथ इनको जब पकड़ा गया था तब तो इनको कहा गया कि भाई तू छोटे बच्चे ही थे अट्ठारह उन्नीस साल के थे और कहा कि तेरी माँ रो रही है अगर तुम हमें सच सच बता देगा तो मैं हम तुम्हें क्या करेंगे तुम्हारी माँ के पास तुम्हें सौंप देंगे तो ये कहता है कि हाँ आप मुझे मेरी माँ के पास सौंप दोगे लेकिन मैं उन माँओं को क्या कहूंगा जिनकी वजह से उनके बच्चे पकड़े जाएंगे तो उन्होंने एक बात कही थी अंग्रेजों को कि मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माँ को नहीं रुला सकता ये प्रसिद्ध कथन है आपके प्रताप सिंह बार्ट का याद रखना है आपको कई बार ऐसे सवाल भी आपसे क्या कर लिए जाते हैं पूछ लिए जाते हैं अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को भी देख लेते हैं अगला सवाल आपके सामने है पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी एक पुस्तक है जिसका नाम है पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज रासो की जो पुस्तक है उसमें यह पूछा गया है कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो किससे हुई थी यानी पृथ्वीराज रासो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कौन सा मत प्रताप प्रतिपादित करता है ये आपको बताना है चार ऑप्शन है देखिए अग्निकुंड से सकों से ब्राह्मणों से या शीतियनों से बढ़िया सवाल पूछा है और आपको इसका जवाब देना है बताइएगा भाई <coughs> बदे बदे और जिन लोगों ने भाई अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया पटापट लाइक कर दीजिए क्योंकि क्लास तो लाइक बनती ही बनती है और चैनल को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं विक्रम समूह आर्मी लवर प्रवीण राणा भरत बताइएगा भाई कैलाश विराट इसका राइट और सटीक आंसर है भाई अग्निकुंड कुंड अग्नि के बारे में अग्निकुंड का मत ये कहता है कि एक ऋषि थे जिनका नाम था आबू आबू एक जगह थी आबू के अंदर एक ऋषि रहते थे जिनका नाम था ऋषि वशिष्ठ और कहते हैं कि ऋषि वशिष्ठ होते हैं वो क्या करते हैं भाई अग्नि कुंड यज्ञ करते हैं और ऋषि वशिष्ठ ने अग्निकुंड यज्ञ किया था आबू में और इस अग्निकुंड से इनका जो अग्नि कुंड था इस अग्नि कुंड से चार योद्धा उत्पन्न हुए थे अग्नि कुंड से कितने योद्धा उत्पन्न हुए थे चार एक तो थे प्रतिहार उसके बाद आए परमार परमार के बारे में कौन आए प्रत्यार परमार परमारों के बाद में चालुक्य और चालुक्य के बाद में कौन आए थे चौहान आए थे अब आपको इसके बारे में दो बातें और याद रखनी है कितनी बातें याद रखनी है दो बातें याद रखनी है सवाल पूछा जाएगा इसका समर्थन कौन करता है तो इस बात का समर्थन करने वाला है एक तो नैणसी कौन है भाई नैणसी है इसके अलावा जो चारण साहित्य है जो चारण कवि है वो भी क्या करते हैं भाई इनका समर्थन करते हैं इसके अलावा और कौन करते हैं भाई जिनको भाट या राव कहते हैं जो बैया है वो क्या करती है इसका पर... कहती है और आपको पता होगा सूर्यमल मिश्रण सूर्यमल मिश्रण भी इस मत को मानते हैं कि नाई राजपूतों में चार योद्धाओं की उत्पत्ति है वो कहां से हुई है अग्निकुंड से हुई है अग्नि कुंड में ध्यान रखना आपसे अग्नि कुंड यज्ञ के बारे में जानकारी देता है पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज रासो कहते हैं कि आबू में एक ऋषि रहते थे ऋषि वशिष्ठ और ऋषि वशिष्ठ ने अग्निकुंड यज्ञ किया था और उस अग्निकुंड यज्ञ में चार योद्धा उत्पन्न हुए पहले प्रतिहार फिर परमार फिर चालुक्य और चौहान उसके बाद कई बार सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो के इस मत को समर्थन देने वाले कौन है तो मोनो नयन सी की जो नैन सी है वो है चारण कवि जितने भी है काफी कवि इसकी जानकारी देते हैं और जितनी भी बहिया है जो भाटो और रवि की उसके बारे में और राय मिश्रण ने भी इसके बारे में अपना समर्थन दिया है याद रखना है ये अग्निकुंड का कंसेप्ट आपके कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है और पैटर्न क्या पूछता है कि सवाल जैसे चार ऑप्शन दे दिए और कह देगा निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में से कौन है अग्निकुंड से उत्पन्न नहीं हुए चौहान की जगह कुछ और देंगे चालुक्य की जगह कुछ और देंगे परमारों की जगह कुछ और देंगे तो ये आपको कांसेप्ट के साथ याद रखना है एक बार तो ये पूछ लिया था कि अग्निकुंड से सबसे पहले कौन पैदा हुए तो प्रत्यार अंतिम कौन हुए थे चौहान हुए थे तो ये कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा अगला सवाल देखिएगा अगला सवाल आपके सामने है ये रहा अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है जो अबूत सावे के रूप में प्रसिद्ध है अक्षय तृतीया किस तिथि के दिन मनाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है अबूत सावे का दिन कहा जाता है कौन से महीने में मनाई जाती है बढ़िया सवाल पूछा है अच्छा और बेहतरीन सवाल पूछा है राम अवतार सहन राम अवतार सहन में आपको जवाब क्या देना है जवाब आपको यह देना है आपका सवाल क्या है सवाल यह है कि अक्षय तृतीया के दिन कौन से दिन अक्षय तृतीया के दिन किस महीने में या अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है जो अबुध सावे के रूप में प्रसिद्ध है तो अक्षय तृतीया के बारे में अच्छी अच्छी बातें आपको क्या रखनी है याद रखनी है याद इस प्रकार से रखनी है कि अक्षय तृतीया को अबुध सावा का दिन कहा जाता है ये कौन से महीने में आती है वैशाख महीने में तो देखिएगा आपसे इस प्रकार के जब भी सवाल पूछे तो आप कहोगे सर वैशाख शुक्ल तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया

जयंत जैन, परशुराम जयंती मनाई जाती है तो परसुराम जयंती भी इसी दिन मनाई जाती है यह भी आपको याद रखना है आगे बात करूं आपके सामने तो अक्षय तृतीया के दिन किसान होता है ना किसान किसान क्या करता है भाई सात धान की पूजा करता है सात धान की क्या करता है पूजा करता है इसके अलावा अच्छी फसल की कामना के लिए सुकून मनाता है अच्छी फसल की कामना का क्या करता है भाई सुकून मनाता है कि भाई इस बार जमाना अच्छा होगा और बरसात अच्छी होगी और हमारा धन धान्य वो होंगे भंडार भरे रहेंगे अब आपको इसके बारे में और याद रखना है कि देखिए अक्षय तृतीया के दिन चौदह में तो स्थापना हुई थी बीकानेर की इसकी स्थापना हुई थी बीकानेर की और अक्षय तृतीया के दिन ही चौदह सो पंद्रह वाले साल में इसकी स्थापना हो गई थी उदयपुर की तो उदयपुर की स्थापना हुई थी अब देखिएगा आपसे सवाल पूछा जाएगा राजस्थान में अगर सबसे ज्यादा टींगरा विवाह होता है राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होता है वो भी इसी दिन होता है याद रखना अक्षय तृतीय के दिन तो अक्षय तृतिया को राजस्थानी साहित्य में भी अक्षय तृतीय का बड़ा योगदान है क्योंकि इनसे रिलेटेड अच्छे अच्छे गाने भी बने हैं आका तीज तो याद रखना यही आका तीज है जिसमें कई बंसा की जिंदगी बन जाती है और कहीं की क्या हो जाती है जंड हो जाती है तो सर्वाधिक बाल विवाह क्या होते हैं इसी दिन होते हैं याद रखना है तो देखिएगा वापस मैं आपको बता रहा हूं कि अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया अकातीज सत्युग त्रेता युग आरंभ परशुराम जयंती इस दिन किसान सात दान की पूजा करके अच्छी फसल की कामना का शकुन मनाता है बीकानेर और उदयपुर की इसी दिन स्थापना हुई थी और सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं राजस्थान में तो वो इसी तिथि के दिन होते हैं याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देख लेते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है अगला सवाल आपसे ये पूछ रहा है क्या पूछ रहा है ध्यान पूर्वक देखिएगा सवाल ये है और देखे ध्यान पूर्वक देखिएगा सवाल क्या कह रहा है एक आभूषण है नूपुर और नूपुर कहां पर पहना जाता है बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि नूपुर नामक आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है बताइएगा भाई बढ़िया सवाल है और बेहतरीन सवाल है राम अवतार सेन महेंद्र प्रागी विमल परियार अनिल शर्मा ब्रोम चिड़ावा वेरी गुड धनराज बरोड़ रामकरण सुज्जाराम बोगू अनिल शर्मा ब्रोम चिड़ावा माधुरी भार्गव देखिएगा राइट आंसर बताना है और देखो आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक कम किया है फटाफट पट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं तो बताइएगा भाई इसका राइट और सटीक आंसर का क्या है नूपुर एक आभूषण है और नुपुर आभूषण कहाँ पर पहना जाता है देखिए हाथ का आभूषण है पैर का आभूषण है कलाई का या गले का है तो इस प्रकार के जब भी आपसे सवाल पूछे नूपुर बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आ, विक्रम सपुनिया बजरंग बिश्नोई विमल परियार माधुरी भार्गव महेंद्र प्रागी राम अवतार सेन तो देखिएगा सवाल ये है नुपुर नुपुर कहाँ का आभूषण है वेरी गुड नुपुर देखिएगा नुपुर है पैर का चाहे नुपुर कहो चाहे पायल कहो चाहे पाईजेब कहो पाईजेब कहो पग बांध घुंग नाची थी ये घुंगरू कहो घुघरू के अलावा होता है कड़ला कहो कड़ला के अलावा एक होती है जोड़ जोड़ के अलावा होते हैं छड़ा जो चांदी के होते हैं ना छड़ा ये भी पैरों में पहना जाता है नूपुर भी पहनों में पैरों में पहना जाता है इसके अलावा पैरों में क्या पहना जाता है पग पान पहना जाता है ये सारे कहाँ के पैरों के हैं भाई कहाँ के हैं पैरों के हैं याद रखना है कलाई में नूपुर कहाँ नूपुर पैरों में होता है भाई आगे बढ़ते हैं और फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं अगला सवाल ये है क्या कह रहा है सवाल कि नागर चोल बोली बोली जाती है नागर चोल बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है जोधपुर में बीकानेर में टोंक में या बांसवाड़ा में बताइएगा भाई की एक बोली है जिसका नाम क्या है उस बोली का नाम है आपके सामने पड़ा है बताओ भाई जोधपुर में बीकानेर में टोंक में और बांसवाड़ा में बताइएगा बेहतरीन सवाल है अच्छा और तगड़ा सवाल है कौन बताएगा इसका राइट आंसर बताओ भाई हाँ तो देखिएगा चोल जो भाषा है वो कहां पर बोली जाती है टोंक में बोली जाती है याद रखना है नागरचोल है यह हाँ, ढूंडाड़ी की उपबोली है किसकी ढुंडाड़ी की उपबोली है याद रखना उपबोली, नागरचोल याद रखना है ढुंडाड़ी की कौन सी बोली है उपबोली के रूप में बोली जाती है ठीक है भाई सलूम्बर से भैरू मीणा नमस्कार अगला सवाल देखो भाई अगला सवाल आपके सामने है सवाल कह रहा है कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का एक अंग है तो कट्टारगढ़ है वो कौन से किले का एक पार्ट या अंग के तौर पर जाना जाता है ये आपको बताना है चार ऑप्शन है सटीक सटीक आंसर है फटाफट बताइएगा मैं अंदर प्रागी माधुरी भार्गव कैलाश बिरट धनराज बरोड भैरू मीणा माधुरी भार्गव रामकरण रामकरण के बाद अनिल अनिल के बाद में सुजाराम बोगू फटाफट आंसर आने दीजिए भाई तगड़े तरीके से और बेहतरीन तरीके से आने दीजिए सवाल के आंसर रुकने नहीं चाहिए हाँ बजरंग देखिएगा इसका राइट और साइड आज भी आप लोग लाइक कम कर रहे हो वीडियो को पहले तो फटाफट पट वीडियो को क्या कर दीजिए लाइक ठोक दीजिए हाँ कैलाश बिरट गोपासरिया वेरी गुड कुंभलगढ़ किले के अंदर है जिसका नाम है कौन सा गढ़ कटारगढ़ मेवाड़ की आंख कहते हैं इसको मेवाड़ की क्या कहा जाता है आंख कहते हैं याद रखना इसका जो निर्माता था ना वो था कुंबा और आपको ये भी याद रखना है कि राणा प्रताप का जन्म कौन से गढ़ में हुआ था राणा प्रताप का जन्म इसी गढ़ के अंदर एक बादल है बादल महल है जूनी कचहरी के पास में यहीं पर इनका क्या हुआ था जन्म हुआ था बढ़िया सवाल है और बेहतरीन सवाल है कटारगढ़ मेवाड़ की आंख के रूप में जाना जाता है कुंभलगढ़ किले में स्थित एक लघु दुर्ग है अगला सवाल यह है चौखे लाऊ महल भूरे खां की मजार इस दुर्ग में स्थित है चौखड़े महल है या चौकेलाव महल है भूरे खां की मजार है ये आपको बताना है ये कौन से किले में स्थित है क्या पूछा है कौन से किले में स्थित है यह आपको बताना है फटाफट बता दीजिए गलत सही जो आंसर आ रहा है फटाफट आपको क्या कर देना है भाई फेंक देना है चाहे गलत आए चाहे सही हुए अरे हिम्मत तो रखो हिम्मत तो रखो बाकी हो जाएगा ठीक है कोई जन्म से बुद्धिमान नहीं होता है कोई जन्म से बुद्धिमान नहीं होता है क्योंकि ज्ञान अथक प्रयासों से ही प्राप्त होता है प्रयास करते रहिए कल भी मैंने कहा था रोज कहता हूं कि कोई भी एकदम से नहीं चलता है चलने के लिए हिम्मत चाहिए और हिम्मत आपके अंदर होगी तो चलोगे कई बार गिरोगे कई बार पड़ोगे और फिर एकदम से आप अच्छे धावक बन जाओगे तो बताइएगा भाई कौन बताने वाला है बढ़िया सवाल है अच्छा सवाल है विमल परियार कह रहा है कि सर बी ऑप्शन सही है हाँ भाई विमल परियार तेरा तो बिल्कुल एकदम से गलत है बजरंग बिश्नोई का सही है अब देखो इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर है ये मेहरानगढ़ में है चौकेलाव महल चौकेलाव महल का निर्माण करवाया था मालदेव ने और चौकेलाओ महल का आपको पता होगा भीति चित्रों के लिए जाने जाते हैं किसके लिए पीति चित्रों के लिए जाना जाता है यहाँ पर एक महल है मोती महल मोती महल के अलावा एक महल है बादल महल बादल महल के अलावा मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में बात कराऊँ बादल महल बादल महल के अलावा एक है तलहटी महल कौन सा महल तलहटी महल यहीं पर है ये तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित क्या है महल है मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर एक मंदिर है आनंद घंजी का मंदिर आनंद गंजी का क्या है मंदिर है इसके अलावा यहाँ पर चामुंडा माता का क्या बना हुआ है मंदिर बना हुआ है इसके अलावा नागनेची माता का क्या बना हुआ है मंदिर बना हुआ है ये तो आपको याद रखना ही रखना है यहाँ पर भूरे की मीनार है इसके अलावा धन्ना और भीमा जो आपस में मामा और भांजा थे चन्ना भीमा की यहाँ पर क्या बनी हुई है या मामा भांजा की क्या बनी हुई है भाई छतरी बनी हुई है मामा भांजा की क्या बनी हुई है छतरी बनी हुई है इसी किले में शेर शाह की अधूरी मस्जिद किसकी शेर शाह था ना शेर शाह और शेर शाह की अधूरी मस्जिद भी यहीं पर बनी हुई है सारी बातें आपको क्या रखनी है याद रखनी है भूलना इसमें कुछ भी नहीं है ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने पड़ा है बस आपको जवाब अच्छे से देना है एकदम से बढ़िया जवाब देना है जवाब दीजिए कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है तो इनमें से कौन सा जो एक क्षेत्र एक वाद्य यंत्र शेखावाटी का नहीं है गिदड़ नृत्य चंग नृत्य और ढप नृत्य तो शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है तो बताइए शेखावाटी क्षेत्र का कौन सा नृत्य नहीं है गिदड़ है चंग है ढप है तो बताइएगा भाई शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है इनमें से कौन सा प्रवीण राणा अनिल शर्मा अनिल शर्मा के बाद में रामावतार सेन कैलाश बिराट चेतन राम धांधु माधुरी भार्गव तो क्या आंसर है इसका आपको जवाब देना है बताइएगा भाई इनमें से कोई नहीं अरे भाई इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं कह रहा है कि सर इनमें से कौन सा नहीं है गिदड़ नृत्य शेखावाटी में होता है कि भीलवाड़ा में होता है तो इसका राइट आंसर है ढप नृत्य नर्तिय। ढप नृत्य कहाँ का नहीं है भाई शेखावाटी का, का नहीं है चंग शेखावाटी में है गिदड़ सेखावाटी में है अगला सवाल देखिएगा अगला सवाल है इनमें से कौन सा वाद्य निम्न में से वाद्य यंत्र रहित कौन सा नृत्य है कुल मिला के सवाल ये पूछा है कि इनमें से कौन से वाद्य कौन से इनमें से कौन से नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं हो रहा है तो बताइए वाद्य यंत्र का प्रयोग किसमें नहीं हो रहा है बताओ चार ऑप्शन है निम्न में से वाद्य किसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं हो रहा है किसके में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं हो रहा है वालर में लूर में हाथीमंडा में या गेर में तो इस प्रकार के जब भी आपसे सवाल पूछे तो आपको क्या जवाब देना है कि देखो भाई चार ऑप्शन है और चारों में से राइट आंसर ये है कि ये जो एक वालर नृत्य है वालर नृत्य में किसका प्रयोग नहीं होता है वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है बिना वाद्य यंत्र का नृत्य है कौन सी जनजाति के लोग करते हैं ग्रास या जनजाति के लोग तो ग्रास या जनजाति में कहते हैं यह नृत्य किया जाता है लय और ताल के साथ किया जाता है हाथ में छतरी लेकर नृत्य किया जाता है बाकी लू राति और गेर नृत्य में तो वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है आगे बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की तरफ देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है आपको इसका राइट आंसर बताना है किस वाद्य यंत्र में चमड़े की एक पट्टी पर पचास से साठ घुघरू होते हैं बढ़िया सवाल पूछा है कि इनमें से किस वाद्य यंत्र में एक चमड़े की पट्टी होती है और उस पर पचास से साठ छोटे छोटे घुंगरू होते हैं थाली है रमजोल है खड़ताल है या श्रीमंडल है बढ़िया सवाल पूछा है आपसे बढ़िया सवाल पूछा है कि इनमें से कौन से वाद्य यंत्र में पचास से साठ घुंघरु होते हैं बताओ पग घुघरू बांध मीरा नाची थी तो बताइए भाई थाली है रमजोल है हड़ताल है या श्रीमंडल है बढ़िया सवाल पूछा है आपसे कौन बताएगा भाई महेंद्र प्रागी सुज्जाराम बोगू हाँ भाई बताओ भाई विमल परियार राम अवतार सेन भैरू मीणा सलुम्बर धनराज बरोड़ बताइएगा भाई बता दीजिए एक बात हमेशा ध्यान रखना हार होने में बुराई नहीं है हार होना कोई बड़ी बात नहीं है हार होना बड़ी बात नहीं है बड़ी बात यह है कि अगर व्यक्ति हार मान लेता है तो उसका अंत निश्चित हो जाता है इसलिए चाहे सवाल गलत हुए चाहे सही हुए आपको तो क्या देना है जवाब देना है क्या देना है जवाब देना है याद रखना क्योंकि खुद पर वक्त लगाओगे तो खुद पर वक्त लगाओगे तो दुनिया एक दिन लाइन लगाएगी आपसे वक्त मांगने के लिए तो बताओ भाई रामकरण के बाद में अनिल शर्मा चिड़ा जी चिड़ावा बताओ भाई और कौन बताने वाला है बजरंग बिश्नोई संदीप बिश्नोई नील शर्मा इसका राइट आंसर है रमझोल कौन सा जोल रमझोल सही है बी ऑप्शन एकदम सही और सटीक है श्रीमंडल खड़ताल और थाली नहीं है आगे बढ़ते हैं और फिर अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल कर्नल जेम्स स्टॉर्ड ने किन्हे किन्हे वन पुत्र की संज्ञा दी थी तो कर्नल जेम्स स्टॉर्ड है किन को वन पुत्र कहता है तो आपको बताना है कर्नल जेम्स स्टॉर्ड ने किसे वन पुत्र का की संज्ञा दी भीलों को मीणाओं को शहरियों को या घराशियों को बढ़िया सवाल पूछा है कि राजस्थान में कर्नल जेमस्टोर ने किन्हें वन पुत्र की संज्ञा दी थी बताइए भाई महेंद्र प्रागी सुजाराम संदीप बिश्नोई अनिल चिड़ावा राम करण कैलाश विराट अनिल शर्मा फटाफट आंसर आने दीजिए वेरी गुड बेहतरीन सवाल जवाब आने चाहिए आपके हाँ राम अवतार सेन आकाश राणा संदीप बिश्नोई माधुरी भार्गव बजरंग बिश्नोई चेतन राम दांडू वेरी गुड राम अवतार सैन तो इसका राइट और सटीक आंसर है भीलों को क्या कहा था भीलों को सवाल पूछे राजस्थान की दूसरी बड़ी जनजाति कौन सी है दूसरी बड़ी जनजाति है याद रखना दूसरी बड़ी क्या है जनजाति है भील और आपको ये भी पता होगा कि भील सर्वाधिक कहाँ पर निवास करते हैं मेवाड़ में अगर सवाल पूछे कि सर्वाधिक किस जिले में निवास करते हैं तो सर्वाधिक अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाएगा तो तो आप कहोगे उदयपुर में लेकिन अगर सवाल पूछा जाएगा सर्वाधिक भी है और प्रतिशत से सर्वाधिक कहाँ पर है तो बांसवाड़ा में है अब आपको ये भी पता होगा भील जनजाति के अंदर जो मुखिया होता है मुखिया को क्या कहा जाता है गमेती कहा जाता है क्या कहा जाता है गमेती कहा जाता है अब आपको ये भी पता होगा कि भील है वो केसरिया जी केसरिया जी की क्या पीकर केसरिया जी या फिर काला जी केसरिया जी या काला जी की केसर पीकर क्या नहीं का पीते हैं कि केसर पीकर झूठ नहीं बोलते हैं केसर पीकर झूठ नहीं बोलते हैं ये भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं और आगे आपको दो बातें और याद रखनी है कि भीलों को पहली बार पीलों को पहली बार सेना में बड़े पद किसने दिए थे सेना में बड़े पद किसने दिए थे तो वो दिए थे राणा प्रताप ने किसने दिए थे राणा प्रताप ने दिए थे याद रखना है भूलना कुछ भी नहीं है आगे बढ़ते हैं और फिर अगले सवाल के बारे में बात करते हैं और अगला सवाल आपके सामने है सवाल है ये क्या कह रहा है सवाई जय सिंह सवाई जय सिंह एक युग प्रवर्तक शासक थे निम्न में से कौन सा विकल्प उनसे संबंधित नहीं है तो सवाई जय सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो युग प्रवर्तक शासक थे लेकिन इनमें से कौन सा विकल्प उनसे संबंधित नहीं है इन्होंने पांच वेदशालाएं बनाई थी उन्होंने उन्होंने एक शक, नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जीद मोहम्मद सही बनाई थी सत्रह में जयपुर नगर की स्थापना की थी इन्होंने अकबर की सेवा की थी तो बताओ भाई इनमें से कौन सा गलत बैठ रहा है बताइए विमल परियार महेंद्र प्रागी भैरू मीणा महेंद्र अनिल फटाफट आंसर आने दीजिए भाई सवाल बड़ा गजब का पूछा है रोचक सवाल पूछा है बस इसी रोचक तरीके के से आपको इसका क्या देना है जवाब देना है जैसे माधुरी आती है और माधुरी बता देती है डी रामकरण डी बता रहा है महेंद्र प्रागी धनराज बरोड चेतन राम धांधु बताओ भाई फटाफट आंसर बताओ देखो सवाल पूछा जाता है इन्होंने पांच वेदशालय बिल्कुल बनाई थी कहां पर बनाई थी जयपुर में बनाई थी मथुरा में बनाई थी कहां पर बनाई थी मथुरा में बनाई थी और कहां पर बनाई थी उज्जैन में बनाई थी और कहां पर बनाई थी वाराणसी में बनाई थी बनाई थी और कहाँ पर बनाई थी दिल्ली में बनाई थी बिल्कुल बनाई थी अब देखिए जीत मोहम्मद शाही और मोहम्मद शाह के नाम से इन्होंने इसको लॉन्च किया था सत्रह में जयनगर की स्थापना की थी लेकिन इन्होंने मुगल बादशाह अकबर की सेवा नहीं की थी अकबर का शासनकाल तो आपको पता होगा कि अकबर का शासन काल में खत्म हो जाता है 1605 तो में अकबर की मृत्यु हो जाती है या बात सत्रह की हो रही है तो आगे बढ़ते हैं और फिर अगले सवाल को भी देख लेते हैं इस प्रकार के सवाल आते हैं कंसेप्ट बेस्ड सवाल आते हैं जिनको पढ़ना पड़ता है आपको पता होगा सवाई जय सिंह जयसिंह जय सिंह के बारे में याद रखना है सवाई जय सिंह के बारे में कि इन्होंने एक तो जयपुर की क्या की थी स्थापना की थी इसके अलावा बूंदी राज्य में इन्होंने हस्तक्षेप किया था इसके अलावा आपको पता होगा सत्रह में हुड़ा सम्मेलन के आयोजन करता थे वो भी सवाई जय सिंह थे ये भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं और फिर अगला सवाल देख लेते हैं अगला सवाल आपके सामने है क्या कह रहा है सवाल इस जूनागढ़ प्रशस्ति के इतिहास से संबंधित लेखक थे तो बढ़िया सवाल पूछा है कि जूनागढ़ प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है जयता द्वारा देपाग द्वारा सोभन दोभन देव द्वारा या रणछोड़ दास द्वारा बढ़िया सवाल पूछा है तो आपके सामने ये सवाल है और इसके जवाब देने आपको और सवाल क्या पूछा है कि जूनागढ़ प्रशस्ति याद रखना जूनागढ़ का जो किला है इस किले का निर्माण करवाया था राय सिंह ने और राय सिंह ज्यादातर मुगलों के साथ युद्ध में बिजी रहते थे इसलिए इसको किसकी देखरेख में बनवाया था पवार की देखरेख में अब देखो कर्मचंद पवार की देखरेख में बनता है और जूनागढ़ का किला कहाँ पर है बीकानेर में है सवाल पूछा है इसके जो प्रशस्ति के लेखक कौन थे तो इसके प्रशस्ति के लेखक थे भाई जैता कौन थे जैता थे जैता याद रखना जैता ये इंग्लिश में जैता जे ए आई टी ए तो इसका मतलब हुआ जैता और तो जयता या फिर जैता होता है आगे बात करते हैं देवपाक देवपाक किसका वास्तुकार था तो देवपाक आपको पता होगा रणकपुर मंदिर का क्या था वास्तुकार था रणकपुर मंदिर का वास्तुकार याद रखना है अब आप कह रहे हो कि सर रणछोड़ भट्टा अरे भाई रणछोड़ भट्ट रणछोड़ दास भट्ट ने रणछोड़ दास जी ने तो वो लिखी थी अपने कौन सी आ, राज प्रशस्ति कौन सी प्रशस्ति लिखी थी राज प्रशस्ति लिखी थी राजसमंद झील के किनारे पच्चीस संगमरमर के शिला को शिला पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति लिखी थी बस इतना सा याद रखना था भूलना गुस्ताई नहीं सीधा और सटीक सवाल है आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देख लेते हैं कि मुस्लिम इतिहासकारों ने किस चौहान शासक को राय पिथौरा के नाम से संबोधित किया है तो राय पिथौरा के नाम से संबोधित किया गया शासक कौन सा था आपको बताना है चार ऑप्शन है आपके सामने शल देव अरणोराज अजय राज या पृथ्वीराज फटाफट बताइएगा भाई कौन बताने वाला है और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दीजिए भाई अशोक चौधरी सुजाराम बोगू बजरंग बिश्नोई रामावतार सेन महेंद्र प्रागी बताइए फटाफट बताओ भाई बताओ बताओ फटाफट बताओ सवाल अच्छे हैं बेहतरीन सवाल है हाँ तो देखिएगा इस प्रकार के सवाल पूछे जाते तो एक ही चीज़ याद रखनी है कि ये थे पृथ्वीराज तृतीय कौन थे पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज तृतीय के बारे में याद रखना है कि इनका शासनकाल ग्यारह सौ उनसतर से ग्यारह सौ सतहत्तर में होता है अब आपको पत... सॉरी ग्यारह सौ सतहत्तर से क्या होता है ग्यारह सौ बारानवे तक इनका शासनकाल यहां पर इन्होंने क्या किया था शासन किया था और इनका जो जन्म हुआ था वो ग्यारह में हुआ था ग्यारह में इनका जन्म होता है अनिल पाटन में होता है कहाँ पर होता है अनिल पाटन में अनिल पाटन कहाँ है गुजरात में है याद रखना है अनिल पाटन फिर आगे बात करो इनके बारे में तो अगला सवाल आपको ये पूछना है कि जो ये अपने भाई पृथ्वीराज जी थे इनके पिता का नाम था सोमेश्वर और माता का नाम क्या था सोमेश्वर तो इनके पिता का नाम था तो इनकी माता कौन थी इनकी माता कर्पूरी देवी थी कई बार पूछा जाता है कर्पूरी देवी और कर्पूरी देवी आपको पता होगा सवाल पूछा जाएगी इनकी संरक्षिका कौन थी तो इनकी संरक्षिका कौन थी भाई कर्पूरी देवी थी कौन थी कर्पूरी देवी और आगे बात करूं आपके सामने तो आपको दो बातें और याद रखनी है इनके बारे में क्या याद रखनी है कर्पूरी देवी इनकी माता का नाम था संरक्षका क्या नाम था और पृथ्वीराज के बारे में याद रखना राय पितोरा कहा जाता है दल पुंगल कहा जाता है इसके अलावा इन्होंने ग्यारह सौ बयासी में भांडा नकों का दमन किया था भांडा नकों का क्या किया था भांडा नकों का दमन और भांडा नकों का दमन कहाँ पर किया था सतलज क्षेत्र में कौन से क्षेत्र में सतलज क्षेत्र में इन्होंने भांडा नकों का दमन किया ग्यारह सौ बयासी में इन्होंने किसको हराया था ग्यारह सौ बयासी के अंदर इन्होंने कौन सा युद्ध लड़ा था तुमूल या फिर जिसको क्या कहा जाता है महोबा का युद्ध लड़ाता और महोबा के युद्ध में इन्होंने परमर्दी देव चंदेल को पराजित किया था परमर्दी देव चंदेल को और परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति इसी युद्ध में मारे गए थे आला और उदल आला और उदल इसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे इसके अलावा इनको पता होगा आप लोगों ने कि जयचंद गहड़वाल की पुत्री संयोगिता से इन्होंने विवाह किया था संयोगिता से इन्होंने विवाह किया था और अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने क्या किया था भाई इनके बारे में याद रखना है कि इन्होंने क्या किया आपको पता होगा कि इनके बारे में ये कहा जाता है बढ़िया necessary... सवाल ये बनता है पृथ्वीराज के बारे में और पृथ्वीराज के बारे में ये बनता है कि इनके दरबारी विद्वान कौन थे वागीश्वर थे इसके अलावा कौन थे वागीश्वर थे एक थे आशाधर आशाधर के अलावा कौन थे आशाधर के अलावा बताओ विद्यापति गौड विद्यापति गौड़ भी थे और इनके दरबार में कौन थे चंद्रवरदाई चंद्रवरदाई का मूल नाम ध्यान रखना चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या था पृथ्वी भटभी इन्हीं के दरबार में रहते थे ऐसे कई सवाल है जो आपको क्या रखने हैं ये याद रखने हैं और आपकी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं इन्होंने ग्यारह में कौन सी लड़ाई लड़ी थी तराइन की लड़ाई लड़ी थी और ग्यारह सौ इक्यानवे में भी तराइन की लड़ाई लड़ी थी इक्यानवे में ये गौरी को हराते हैं और बारानवे में गौरी ने इनको हरा दिया था चार बाह चौबीसगंज चार बार गज अंगुल अष्ट प्रमाणता पर हैं सुल्तान मत चुके चौहान चंद्रदई का प्रसिद्ध वाक्य आपको पता होना चाहिए जयानक ने किसकी रचना की थी जया नक ने की थी पृथ्वीराज विजय की अगला सवाल देखिएगा रणथम के पतन पर किसने कहा आज कुप्रकागढ़ इस्लाम का घर हो गया बताइए आज कुप्र का इस्लाम का घर हो गया किसने कहा बताओ महेंद्र पारगी चेतन राम दाधु अशोक चौधरी सुरजाराम जी फटाफट -पट आंसर बताइए और जिन्होंने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट -पट लाइक कर दीजिए क्लास चल रही है अभी तक चलने दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए बताओ भाई सुरजाराम बोगू माधुरी भार्गव अशोक चौधरी चेतन राम दाधु महेंद्र पार्गी और रामकरण तो देखिएगा सवाल आपके सामने और ये कहा था किसने भाई ये कहा था अमीर खुसरो ने कब कहा था 1301 में 1301 एक में एके ने एक एक आता है एक वर्षेज अमीर चौहान के बीच में युद्ध होता है और इसमें आपको पता है कि विजय होता है एक और आपको यह भी पता होगा कि राजस्थान का प्रथम जल जौहर राजस्थान का प्रथम जल जौहर कहाँ पर हुआ था यहीं पर हुआ था भाई याद रखना है अब आपको ये भी पता होगा इस युद्ध में इस युद्ध में विश्वासघात किसने किया था तो इस युद्ध में विश्वासघात किया था दो व्यक्ति थे एक का नाम था रण मल्ल और दूसरे का नाम था रतिपाल पाल ये विश्वासघात करते हैं किसके साथ है? हमीर के साथ करते हैं ठीक है भाई और इस किले के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था कि यह किला ऐसी किस तरह से बना हुआ है इतना मतलब इस किले को बख्तरबंद कहा था कि नंगी आंखों से इस किले को हम क्या नहीं कर सकते हैं देख भी नहीं सकते हैं आगे बढ़ते हैं और फिर अगले सवाल को देख लेते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है ध्यान से देखो सवाल आपके सामने है आपको इसका क्या देना है आंसर देना है और सवाल आपके सामने है किस राजपूती शासक की राजपूती शासक की मृत्यु पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने कहा आज कुप्र का दरवाजा टूट गया आज कुप्र का दरवाजा टूट गया ये बात कही थी किसने भाई औरंगजेब ने कही थी और औरंगजेब ने यह बात किसके मरने पर कही थी ये आपको बताना है बताइएगा भाई शेर सिंह जी राठौड़ बजरंग बिश्नोई चेतन राम धांधु माधुरी भार्गव बजरंग बिश्नोई बताओ भाई धनराज बरोड़ रतनपुरा रानपुर प्रतापगढ़ फटाफट बताइएगा भाई कौन बताइएगा इसके बारे में बढ़िया सवाल है और गजब का सवाल है तो इस प्रकार के जब भी आपसे सवाल पूछे तो आपको एक ही जवाब देना है सर ये बात किसने कही थी एक आदमी ने कही थी जिसका क्या नाम था जसवंत सिंह और जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था जसवंत सिंह की मृत्यु अफगानिस्तान के अंदर हुई थी काबुल में और आपको पता है जब इनकी मृत्यु हुई तब इनके कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था लेकिन लाहौर से इनकी दो रानियां आ रही थी जादम और नरुकी ने दो बच्चों को जन्म दिया था जसवंत सिंह और एक बेटे का नाम और था जिसकी बाद में मृत्यु हो जाती है आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं संदर्भ गंधर्व गंधर्भ वायसी गंधर्व वायशी किस कछवा के दरबार की शोभा बढ़ाते थे 22 विद्वान थे जिनको गंधर्व वाइशी कहा जाता था अब गंधर्व वायशी कहा जाता था ये किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे जगत सिंह ईश्वरी सिंह माधो सिंह या प्रताप सिंह बढ़िया सवाल पूछा है आपसे बताइएगा ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि गंधर्व बाईसी किसके दरबार में रहते थे गंधर्व बाईसी गंधर्व बाईसी के बारे में पूछा है बताओ कौन बताएगा कौन बताएगा भाई माधुरी ने कहा सर बी एग्जैक्ट सही है मेरा वेरी गुड और भाई कौन बताने वाला है धनराज वेरी गुड बी बताया है भाई तो इस प्रकार के जब आप आंसर देते हो तो आपके आंसर सीधे सीधे गलत हो जाते हैं क्योंकि इसका राइट और सटीक आंसर है भाई प्रताप सिंह क्या है प्रताप सिंह है प्रताप सिंह आपको पता होगा जयपुर के शासक थे सवाई प्रताप सिंह कान पे थोड़ा ध्यान से जोर डाल के सवाल को सुनो आंखों से थोड़ा देखो सवाई प्रताप सिंह सवाई प्रताप सिंह के बारे में तीन चार बातें जो आपको क्या रखनी है याद रखनी है भाई अब देखिएगा भाई हाँ भाई टेस्ट सीरीज बी एस टी सी की मिल जाएगी आपको ये ऐप का लिंक दिया जा रहा है कमेंट बॉक्स में वहां पे आप जाइए और टेस्ट सीरीज ले लीजिए अब देखिए इनके दरबार में गंदर बाईसी और जयपुर शैली का स्वर्ण काल कौन सा काल जयपुर शैली का स्वर्ण काल याद रखना है किसका काल कहलाता है तो अपने इन्हें का ही काल कहलाता है गंधरव बाईसी सवाई प्रताप सिंह सवाई प्रताप सिंह क्या लिखते थे कविताएं लिखते थे क्या लिखते थे कविताएं लिखते थे याद है आपको ये क्या लिखते थे कविताएं लिखते थे बताइए सवाई प्रताप सिंह क्या लिखते थे कविताएं याद होगा आप लोगों को अगला सवाल आपके सामने है और ये सवाल है अठारह की क्रांति के समय सिरोई के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे अट्ठारह तो की क्रांति हो रही है और सिरोई के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे मॉक मैसन जेडी ऑल इडन या सावर ये सवाल अभी फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था जो पेपर हुए थे ना इस बार उसमें ये सवाल पूछा गया था बताओ भाई आकाश राणा चेतन राम दांधू अनिल सरवा धनराज बरोड़ सर ऑनलाइन क्लास लेना है मुझे रेट क्या है रेट क्या है ये आपको क्या करना पड़ेगा इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ऐप के सामने जब आप जाओगे तो वहां पे पेड कितना है क्या चार्ज है वो है अभी बी का मात्र 299 नाइन में मिल रहा है भाई दो सौ निन्यानवे में, में ही मिल रहा है अगर आपको बी का लेना है तो दो सौ निन्यानवे में, में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है बी का तो ले लीजिए आप अभी तो और अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो आपको पच्चीस टेस्ट मिल रहे हैं पचास में पचास पच्चीस टेस्ट है पचास रुपए में और ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं टू नाइनटी नाइन में दोनों बातें आपके सामने अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है और अगला सवाल आपके सामने है और वो थे जे डी हॉल कौन थे भाई जे डी हॉल सही है और मैग मौसम थे मारवाड़ के कहाँ के मारवाड़ के थे और सावर्स थे वो उदयपुर जयपुर के थे सावर्स कहाँ सावर्स कहाँ थे उदयपुर यानी मेवाड़ के थे और इडन थे वो कहाँ के थे जयपुर के थे कहाँ के थे भाई जयपुर के थे एक था मॉरिसन और मॉरिसन कहाँ का था पॉलिटिकल एजेंट तो मॉरिसन था भरतपुर का कहा का था भाई भरतपुर का मॉरिसन था ये याद रखना है ना अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ भी देख लेते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है ध्यान से देखिए भाई अगला सवाल ये है हाँ बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया बढ़िया सवाल है अच्छा सवाल है चार ऑप्शन है देखिएगा पहला ऑप्शन है राम नारायण चौधरी मोतीलाल तेजावत गोविंद गुरु और माणिकेलाल वर्मा बताइएगा भाई कौन बताने वाला है इसके बारे में बताओ सुज्जाराम बोगू चेतन राम दांदू अनिल शर्मा बजरंग बिश्नोई माधुरी भार्गव बताओ बताओ फटाफट बताओ भाई सवाल अच्छा भी है बेहतरीन भी और तगड़ा भी है तो बेंगू किसान आंदोलन के बारे में पूछा है कौन से आंदोलन के बारे में बेंगू किसान आंदोलन फटाफट बताओ कौन बताने वाला है बेंगू किसान आंदोलन राम नारायण मोतीलाल जी गोविंद गुरु माणिकेलाल वर्मा बताओ 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 कौन बताएगा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था राम नारायण चौधरी ने किया था किसने किया था राम नारायण चौधरी ने किया था आगे बढ़ते हैं फिर देख लीजिए भाई सर बीएसटीसी न्यू बैच कब से शुरू होंगे बीएसटीसी का जो न्यू बैच है वो अभी गुरुवार को शुरू किया है भाई गुरुवार को शुरू किया है इसका जो टाइम है इसका समय है भाई समय है सुबह और सुबह है कितने बजे से आठ बजे से लेकर एक बजे तक है और अगर आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपके सामने नंबर दे रहा हूँ इस नंबर पे आप क्या ले सकते हैं जानकारी ले सकते हैं ठीक है भाई आगे बढ़ते स्क्रीन शॉट ले लो इसका पहले तो फिर आगे बढ़ लेते हैं और अगले सवाल को भी देख लेते हैं और अगला सवाल आपके सामने है और सवाल है ये राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक किलोमीटर है इस सीमा के सबसे नज़दीकी हैं राजस्थान का कौन सा शहर तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीकी कौन सा शहर है जयपुर है जोधपुर है बीकानेर और गंगानगर तो सबसे नज़दीकी शहर बताइएगा भाई कौन सा शहर है और अभी तक कहीं ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए क्लास को फटाफट क्लास अच्छी है बेहतरीन है अगर आपको लग रहा है तो बताइए भाई शेर सिंह जी राठौड़ अनिल शर्मा फ्रॉम चिड़ावा बताओ भाई सत्तर किलोमीटर है सबसे नजदीकी शहर पूछा है जयपुर है नहीं जोधपुर है नहीं अब बताओ कौन सा है बताओ 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 गंगानगर है या फिर बीकानेर है सबसे नजदीकी शहर नियर बाई कौन सा है नियर बाई शहर है वो आपको याद रखना गंगानगर और दूरी पर कौन सा है बीकानेर है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं चार है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर देखो एक तो है श्री गंगानगर गंगानगर की सीमा लगती है कितनी 210 किलोमीटर और उसके बाद उत्तर में आता है बीकानेर बीकानेर की सीमा लगती है एक किलोमीटर और उसके बाद में एक शहर आता है जिसका नाम क्या है भाई जिसका नाम है जैसलमेर जैसलमेर की सीमा कितनी लगती है चार किलोमीटर लगती है और आपको पता होगा बाड़मेर और बाड़मेर की लगती है दो किलोमीटर ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को भी देख लेते हैं अगला सवाल आपके सामने पड़ा है ये सवाल है राजस्थान का कानपुर राजस्थान का पंजाब राजस्थान की स्वर्ण नगरी और राजस्थान का प्रवेश द्वार तो देखिए राजस्थान का कानपुर किसको कहा जाता है राजस्थान का पंजाब किसको कहा जाता है राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है और राजस्थान का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है आपके सामने कोड दे रखे हैं ए बी सी डी और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन में देखिए पहले में चार तीन दो एक फिर है एक दो तीन चार फिर है एक दो चार तीन और फिर है तीन एक दो चार फटाफट आपको आज का क्या देना है आंसर देना है बताइएगा भाई डेंजर जॉन महेंद्र प्रागी बताओ भाई क्या राइट आंसर है तो देखिएगा राइट आंसर है राजस्थान का कानपुर है कोटा ए में चार आ रहा है इसके अलावा इसमें भी चार नहीं इसमें भी चार नहीं इसमें भी चार नहीं मतलब ये आपका क्या है सही है राजस्थान का पंजाब कहते हैं सांचोर को राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है जैसलमेर को और राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर को कहा जाता है किसको कहा जाता है भरतपुर को क्योंकि यहाँ पर धौलपुर ऑप्शन है ही नहीं तो आपका क्या होगा धौलपुर के पास वाला भरतपुर होगा भाई ये क्या रखना है याद रखना है क्या रखना है भाई याद रखना है देखिए भाई मैं आपको एक बात और कह देता हूँ कि खुद पर तो खुद पर वक्त तो लगाओ खुद पर वक्त तो लगाओ दुनिया लाइन लगाएगी आपका वक्त मांगने के लिए अगर जिद है नौकरी पाने की तो फिर हिम्मत रख मेहनत करने की तू तु, कितने तुम कितने ताकतवर हो ये अखाड़े से नहीं तुमने कितनी किताबें पढ़ी हैं इसे डिसाइड होता है कि आपकी बुद्धि में कितनी ताकत है शरीर की ताकत तो कुछ समय तक के लिए रहती है लेकिन बुद्धि की और किताबों से जो ताकत आपने प्राप्त की है ये आपको आजीवन क्या करती है भाई आपको आजीवन प्रसिद्धि दिलाती है और आपको आजीवन क्या दिलाती है इज्जत दिलाती है तो ये जो क्लास थी आज की अपन ये यहीं पर समाप्त करते हैं मिलूंगा कल लेकिन जाते जाते आप लोगों को बता दूं कि हमारे ये नंबर है सिक्स थ्री सेवन फाइव जीरो फोर थ्री थ्री फोर सिक्स अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आपको डायरेक्ट इस नंबर पे क्या कर लेना है मैसेज कर लेना है अगर आपको ऑनलाइन कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो नाइन फाइव जी जी थ्री ट्रिपल फाइव नाइन फाइव पर भी आप क्या ले सकते हैं मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये जो सवाल है ये जो नंबर है आपकी जिज्ञासाओं के लिए है और ये हमारे यहाँ के नंबर है जहाँ से आपको क्या मिलेगी संपूर्ण जानकारी मिलेंगी बाकी मिलूंगा कल पीर नए जोश नए जुनून और नए प्रश्नों के साथ लगे रहना है क्योंकि लड़ा वही लड़ा वह वही जो हारा नहीं ओके जय हिंद जय भारत